आज बात होगी उत्तराखंड में उस सियासी संग्राम की जिसके आसार पहले ही थे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने रणबांकुरों को रण में उतार दिया, लेकिन रण में उतारने के बाद बगावत के सुर इस वक्त चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी बगावत के भंवर में फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब कौन जितना जल्दी इस बगावत की आग को ठंडा कर लेगा, इस सियासी तपिश के बीच वो डैमेज कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घर से जिस तरह से बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल संकेत साफ है कि आने वाले वक्त में बागी हो चुके रणबांकुरे रण में ताल ठोकेंगे तो नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पहुंचाएंगे। बड़ी खबर यह आई कि हरीश रावत ने रामनगर में चुनाव लड़ने के फैसले को अब खारिज कर दिया। वो रामनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरीश रावत ने तय किया कि वो लाल कुआं की सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत ने अपने कदम पीछे खींच लिए और रणजीत रावत के गढ़ में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब वो लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। सूची जारी हुई तो टिकट में साफ तौर पर संकेत मिला कि उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण से यानी कि हरीश रावत ने अपनी बेटी को भी चुनावी रण में उतार दिया। अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी आई कि ओम गोपाल रावत, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे, नरेंद्रनगर से चुनाव लड़ेंगे सुबोध उनियाल के खिलाफ। दिलचस्प लड़ाई, और इस लड़ाई के भीतर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अब चुनावी तपिश में अपने अपने बागियों को कैसे मनाएगी कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की और एक और खबर पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मोहर लगी। क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे इसको लेकर संशय था। अब मोहर लग गई कि वो लाल कुआं जा रहे हैं, रामनगर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन एक बड़ी खबर जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि कोटद्वार में पिता की हार का बदला बेटी लेगी। जी, रितु खंडूरी को चुनावी रण में उतार दिया है बीजेपी ने और कोटद्वार का रण क्षेत्र चुना है। कोटद्वार क्यों? कोटद्वार 2012 के लिहाज से उत्तराखंड की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से ही भुवन चंद खंडूरी, जो कि चेहरा थे बीजेपी का, खंडूरी या जरूरी का नारा था, तब खंडूरी कोटद्वार के रण क्षेत्र से ही चुनाव हारे थे। कोटद्वार से चुनाव हारे थे, जिसके बाद 31-32 के फेर में बीजेपी हार गई थी। अब ऐसे में रितु खंडूरी को मौका मिला है। लेकिन रुद्रपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, रुद्रपुर में सियासी तपिश इस वक्त चरम पर है। राजकुमार ठुकराल, बीजेपी के बेबाक और विवादित विधायकों में से एक रहे राजकुमार ठुकराल का टिकट बीजेपी ने काट दिया। अब ठुकराल बागी हो गए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर कुछ देर पहले ठुकराल की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि जिनको टिकट दिया वो टिकट खरीद के लाए हैं। मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है और चुनाव लड़ूंगा किसी कीमत पर भी, पीछे नहीं हटूंगा। यानी बगावत की आग दोनों तरफ से है। लेकिन इन सब के भीतर, क्योंकि मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं, आज कई बड़ी खबरें आई। बड़ी खबर जिसका जिक्र लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया पिछले 10 दिन से कर रहा था, एक बार फिर से खबर पर मोहर लगी। किशोर उपाध्याय, जिनकी रात के अंधेरे में तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, रात के अंधेरे में किशोर उपाध्याय अब भाजपाई हो गए, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आज किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए, तब उस वक्त का नजारा आपके सामने। किशोर उपाध्याय टिहरी में एक बड़ा चेहरा, खासतौर पर गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में जो ब्राह्मण चेहरे फहरिस्त में दिखाई देते थे, किशोर उपाध्याय उस फहरिस्त में सबसे आगे हुआ करते थे। लेकिन अब वो कांग्रेस ही नहीं, भाजपाई हो चले हैं। यानी कि सियासी समर में सियासी तपिश इस वक्त महसूस हो रही है। हरीश रावत ने रण क्षेत्र बदल लिया, रणबांकुरे
इस वक्त चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, बागी किसका बिगाड़ेंगे खेल, बागियों का जिक्र इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि निर्दलियों ने, बागियों ने ना सिर्फ चुनाव जीता, निर्दलीय जीते, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही गच्चा दिया। क्योंकि जो कांग्रेस वाले जीते उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया, जो बीजेपी वाले जीते उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया। अब मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। अमरजीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अमरजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हेमा जी जुड़ चुकी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। अवधेश नोटियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं और बहुत लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरजीत जी आपके पास जी, मेरा ऑडियो आ रहा है वीर जी? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। अमरजीत जी जी, 10 दिन पहले मैंने खबर दिखाई तो नाराज हो गए आप लोग। क्या आधार है, कोई मिलने नहीं जा सकता किसी से, क्यों अफवाह फैला रहे हो तिलक चावला? अफवाह फैलाना बंद करो। आप तो खुद रेस कोर्स में थे, मुलाकात हो रही थी, पता तो आपको भी था अमरजीत जी। तो आज तो मुहर लग गई, अब तो नहीं गुस्सा करोगे? किशोर उपाध्याय गए, टाटा बाय बाय कर गए, बीजेपी में चले गए, झटका लगा कि नहीं? नहीं, झटका लगने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। हम तो काफी समय से इन चीजों को पार्टी नोट कर रही थी और उसी की तर्ज पे जो है उनको सभी पदों से मुक्त किया गया। ये कोई मतलब हमारे लिए अचंभित करने वाली बात नहीं थी। उसके बाद उनका निष्कासन भी हुआ जो बहुत दुखद है। हम किशोर उपाध्याय से इस प्रकार की आशा नहीं करते थे। वो हमारे वरिष्ठ रहे और हमारा उनका बहुत लंबा साथ भी रहा और वो मतलब मैं यूं कहूंगा कि वो कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से उनका बहुत नजदीकी रिश्ता रहा। वो राजीव जी हों, सोनिया जी हों, इंदिरा जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, मतलब राहुल गांधी जी हों, सभी से उनका बहुत नजदीकी रिश्ता रहा। उनका वहां जाना बहुत दुखद है। अब वो कहते हैं कि मैं जो है वन अधिकार के कुछ मेरे मुद्दे थे जिनके समर्थन के कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, उस बात को लेकर के मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से उनके मुद्दों को कांग्रेस भी एड्रेस कर रही थी और समय आने पर सरकार बनती तो हम उनको मुद्दों को अमरजीत जी बताइए, इतने अनुभवी चेहरे, इतने बड़े चेहरे, गढ़वाल के ब्राह्मण चेहरे, आप तो उस टीम का हिस्सा भी रहे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, आप बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात दुरुस्त है। और टिहरी में आप बताइए, इतने बड़े चेहरे को अगर नजरअंदाज करेंगे तो उनके पास रास्ता क्या बचता था? नहीं, तिलक चावला जी, मैं यही आपकी बात से सहमत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कतई उनका जो है उनको नहीं हमने बुलाया है। आप याद करिए कि 53 की लिस्ट पहले आई, फिर 11 की लिस्ट आई, फिर 10 की लिस्ट आई। आखिरी समय तक कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान करते हुए उनका इंतजार किया। अंतिम समय में कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क भी साधा। अब उन्होंने कोई एक संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो ये मजबूरन पार्टी समझी कि उनकी इच्छा अब जो है कांग्रेस पार्टी में रहने की नहीं है। अब ये अच्छा। उनका कहीं रहना न रहना उनका व्यक्तिगत विचार है। इस पर मुझे लगता है कि किशोर जी को टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी अनदेखी करी। मैं संपर्क साध रहा हूं, 10 दिन से वो कह रहे हैं तिलक भाई जरा मौसम का मिजाज पता करके आना, खुद देहरादून में कह रहे टिहरी में मौसम का मिजाज पता करके आना। तो आप बताइए अमरजीत जी, आप भी नहीं बता रहे, किशोर भाई भी नहीं बता रहे। खैर, हेमा भंडारी जी, आज तो बहुत सियासी संग्राम हुआ, आज तो सुपर गुरुवार हो गया, सियासी गुरुवार। देखा आपने, एक के बाद एक बीजेपी कांग्रेस से बड़ी खबरें आई। जी तिलक जी, लेकिन आज बीजेपी वाले नजर नहीं आ रहे हैं चैनल में। बीजेपी वाले आ जाएंगे मैडम, चिंता मत करिए, पिक्चर में आएंगे, वो देर से आएंगे। ये लगातार भाजपा कांग्रेस का चल रहा है, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, लगातार एक पैर इधर एक पैर उधर, खींचा तान, वो कबड्डी का गेम होता है ना, उस तरह से इनका चल रहा है आपस में। किशोर उपाध्याय जी भाजपा में चले गए तो धन सिंह नेगी जी कांग्रेस में आ गए, तो इन लोगों का इतना घमासान मचा हुआ है कि अब लास्ट दिन डे आ गया है नामांकन का भी, और अभी तक इनका घमासान खत्म नहीं हुआ है। अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं कि अब किस किस को खींच सकते हैं, कैसे कैसे खींच सकते हैं, आपस में
तनाकशी चल रही है इनकी, और इनके यहाँ जिस तरह से बगावतें भी हो रही हैं, निर्दलीय लोग नामांकन कर रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की, नहीं बगावत का फायदा, बगावत बगावत का, बगावत का फायदा तो आपको भी हुआ ना, सुनीता बाजवा जी आ गई आपके पास, हुआ कि नहीं हुआ? अगर थोड़ा और इंतजार करते क्या पता किशोर उपाध्याय जी भी आ जाते, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी स्वच्छ छवि का नेता सर्टिफिकेट आप ही बांटेंगे, कौन किसका क्या चरित्र है, चरित्र प्रमाण पत्र आप ही देंगे सबको, पूरा उनका वो लिया जाता है, पूरा बायोडाटा लिया जाता है उनका, और उसके आधार पे हम किस इनका वो रहा है, बैकग्राउंड रहा है, क्या बैकग्राउंड है, उसी के आधार पे हम नेताओं को लेते हैं। तिलक चावला जी, तिलक चावला जी, अभी इन्होंने पंजाब में टिकट बांटे, उसमें 19% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अपराधी मुकदमे चल रहे हैं, तुमने मैं बता दूं, मैंने कहा आपको बता दूं, उसका भी जवाब दे देना आप। नहीं नहीं आप, नहीं नहीं मैं बीच में से बोल रहा हूं कि आपको याद दिला दूं कि उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो आपकी भी नहीं, यहां की डिटेल भी कल परसों में आई जाएगी, मैं ये बता रहा हूं कि जो आपके प्रत्याशी हैं पंजाब में उसमें 19% के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, आप किस साफ छवि की बात कर रहे हैं? भागते भागते टिकट दे दिए, आपराधिक मुकदमे हो सकता है, आपने उनका बायोडेटा अपने पास रख लिया हो, हमारे यहाँ कौन सा भ्रष्ट नेता आपको नजर आया, कौन सा, और आप क्या देखो, अब 30 तारीख के बाद जब सबके सार्वजनिक हो जाएंगे, कितना अपराधी है, किसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, उस निर्वाचन आयोग सार्वजनिक कर देगा, उसमें आप बता दीजिए निपटा लीजिए, प्रदेश की जनता निहार रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, निहार रही है कि कौन हमारा भला करेगा, ये आपस में निपट ले, गुस्सा नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई आशा नहीं है। ओके ओके अमर जी, आशा ही एक आम आदमी पार्टी का नाम है, केवल आशा आम आदमी पार्टी से है। हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, 70 मिल गए कि नहीं मिले? अभी 70 पूरे हो गए, अभी 3 रह गए हमारे, आज घोषणा हो जाएगी। समझ सकते हैं तिलक भाई, इन बातों से ही आप समझ सकते हैं चीजें, तो आपका चेहरा मुस्कुराते हुए मुझे और साफ दिखाई देगा, प्लीज। ओके आप देश नोटियाल जी, मैं एक सवाल आपसे जवाब जानना चाह रहा था कि आज तो खूब घमासान हुआ, कोई इधर चला कोई उधर चला, जाने कहां कौन किधर चला, लेकिन दिलचस्प खबरें खूब आई, रात से ही वो लिस्ट जारी हुई तो पता चल गया कि हरीश रावत ने रण क्षेत्र बदल लिया, यानी 2017 की गलती नहीं दोहराना चाह रहे थे, मालूम चल गया था कि बगावत की आग भड़क चुकी है, आज तो बहुत कुछ घटा सियासी गलियारे में। आप देश नोटियाल जी, देखिए बिल्कुल तिलक जी, हम लोगों ने पहले भी इस बात पर डिस्कशन किया था कि जो जो कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट आई थी, कहीं ना कहीं वो लिस्ट उतनी बेहतर लिस्ट नहीं थी, वो जो लिस्ट थी वो वॉक ओवर देते हुए बीजेपी को नजर आ रही थी। हम लोगों ने आपके साथ ही डिबेट में ये चीज कही थी कि उस लिस्ट से वॉक ओवर बीजेपी को पूरा पूरा मिल रहा है, और जो टिकट का बंटवारा दूसरी लिस्ट में हुआ है वो समस्या पर है कि ऐसे टिकट जो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हर जो कदम है फूक फूक कर रख रही है, हर तरह की रणनीति आजमा रही है, उसने जो सेकंड टिकट जो दूसरी लिस्ट आई ऐसे कैसे टिकट बांट दिए। हम लोगों ने लगातार इस चीज को चैनल पे भी उठाया था, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस चीज पे आज मंथन किया। रामनगर के समीकरण को भी आपने भी डिस्कस किया, हम भी इस चीज को लगातार कह रहे थे कि रामनगर का समीकरण इतना आसान नहीं है, हरीश रावत भले ही वहां पे भावनात्मक कार्ड खेल रहे थे कि मेरी भावनाएं हैं, मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जिस तरह का रण क्षेत्र रामनगर का है, और रणजीत रावत जो पिछले 6 साल से वहां पे डटे हुए थे, लगातार सक्रिय थे, अगर वो वहां से वो तस्तमस नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा चाहे कांग्रेस छोड़नी पड़ जाए, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ जाए, लेकिन लड़ूंगा ही रामनगर से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को लग गया कि ये चीजें आसान नहीं है। जिस चेहरे को लेकर हम उत्तराखंड में जनता के सामने हैं, जिस चेहरे को हम शायद चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, अगर ये इनके प्रकार वो चेहरा अगर रामनगर से पिछड़ गया या कुछ वहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं हो के आ पाया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं गहरा मंथन हुआ इस चीज को हुआ, लेकिन इस चीज में एक थी कि हरीश रावत जी ने शायद ये साफ कर दिया कि अगर मैं रामनगर छोड़ूंगा तो रणजीत रावत भी रामनगर नहीं आएंगे, ये बात साफ है, आपको लाना तीसरा ही पड़ेगा।
बिल्कुल, तो उन्होंने ये हाँ उन्होंने ये बात तो मान ली कि मैं भी नहीं तो वो भी नहीं, तो हम पहले ही कह रहे थे कि हरीश रावत को लाल कुआं से लड़ना चाहिए, लाल कुआं एक सेफ सीट है, उनको चुनाव क्योंकि उन्हें कैंपेन करना है, अगर आप कैंपेन चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं तो आपके पास अधिक से अधिक समय होना चाहिए, आप खंडूरी जी वाली गलती नहीं दोहरा सकते कि आप एक ऐसी सीट पर चले जाएं कि आपको अपने अपने कैंपेन के लिए टाइम ही ना मिले, आप एक क्षेत्रीय बिल्कुल जटिल समीकरण जिस सीट का समीकरण बहुत जटिल हो, अगर आप उस सीट से चुनाव लड़ेंगे और साथ में आपके अपने ही परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, विद्रोही लोग जिन्हें मतलब कांग्रेस से पूरा परिवार है उसी के लोग अगर आपके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, गलती सुधार दी, देश कह रहे हैं गलती सुधार दी, ऐसा ना हो कि गुरु को चेला ही हरा देता। एक बात तो मैं अवधेश नोटियाल जी की बात से सहमत हूँ और उन्होंने इस बात को खुद ही मान लिया है कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट थी वो संतोषजनक थी, जिसमें हमारे प्रमुखता से 53 के करीब हमारे प्रत्याशी थे, उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की, उन्होंने कहा वो मोटे मोटे ठीक थी, तो उसी में लगभग 53 में ही कांग्रेस को मैंडेट दिखता हुआ नजर आ रहा है, 35 से 40 सीटें कांग्रेस उसमें लेके आ रही है। और रही बात दूसरी जिस पर अवधेश भाई सवाल खड़े कर रहे हैं, हकीकत है सच भी है, और उसमें कोई मैं हमारी पार्टी ने उस पर पुनर्विचार करने की बात कही है, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है, अगर कोई हमारी त्रुटि रही होगी, अगर कहीं से विरोध की स्वर उठ रहे थे, हमने उस विरोध के स्वरों को सुना, हमने विरोध के स्वर को सुनते हुए ही दोबारा उस लिस्ट पर हमने समीक्षा की, समीक्षा करने के बाद पाया कि नहीं वो सीट मुफीद केवल हरीश रावत जी के लिए ही मुफीद नहीं है, वो सीट जो है रंजीत रावत जी के लिए भी मुफीद नहीं, उनको भी वहीं से लड़ना चाहिए जहां से पहले भी चुनाव जीते हैं, आप सुनिए वो वहां चुनाव जीते हैं, रामनगर से चुनाव वो भी नहीं जीते, मतलब आपने मान लिया कि रामनगर में चुनाव नहीं जीत सकते आप, मैं फिर वही बात कर, सवाल दो लोगों का था जो वहां चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, दो बात समझिए, एक बात तो ये रंजीत रावत जी ने अब तक विधानसभा के दो चुनाव जीते, अमरजीत जी रामनगर को ही क्यों चुना, पहले लाल कुआं चुन लेते, रामनगर ही क्यों, तो ऐसे तो 70 सीटें हैं, रावत जी कहीं से भी चुनाव लड़ लेते, उसमें क्या हर्ज है, वही तो कह रहा हूं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी, कुमाऊं की इच्छा जाहिर करी, और नहीं रामनगर से अपनी उन्होंने आत्मीयता ज्वाइन जाहिर करी कि मेरा वहां जुड़ाव था रामनगर से, तो क्या हर्ज है, अगर रामनगर से वो अपनी बात कर रहे थे और वहां समर्थन उनको जन समर्थन नहीं मिल पाया, फिर हेमा जी आपके पास, जी जी बोलिए, जी बोलिए, देखिए तिलक जी इच्छा भी तब जाहिर की जबकि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल जो ऑडियो वायरल हो गया था जिसको रावत जी ने खुद कहा कि ये ऑडियो मेरा है और मैंने 2500 से 3000 लोगों से बात की, जबकि सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल हो गया था और वायरल होने के बाद साफ साफ था कि जी इस बार रंजीत रावत को मौका दे दीजिए, हम रंजीत रावत के साथ हैं, हमने जब रावत जी से ये सवाल खुद किया था कि सर ये ऑडियो किसका, तो उन्होंने खुद कहा था कि मैंने 2000 से 3000 लोगों को फोन किया, तमाम लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती है, वो भावनाएं सामने आई, तो जब अगर हल्का सा भी, क्योंकि अगर देखिए कोई मजबूत खिलाड़ी है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीम उस खिलाड़ी के खिलाफ एक अलग चक्र भी बुनती है, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो कोई सा भी खिलाड़ी हो, तो जब आपको पता है कि आपके मेन खिलाड़ी वही हैं और अगर आप मेन खिलाड़ी को जरा सा भी डाउटफुल हो कि भैया इस पिच पर जो है बॉलिंग बहुत फास्ट आएगी और कंधे से ऊपर ही बॉल बाउंस मार सकती है, तो कहीं ना कहीं सतर्क होने की आवश्यकता, जब आपको पहले ही मालूम पड़ गया था कि कार्यकर्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हेमा क्या आपको लगता है कि हरीश रावत ने वो चक्रव्यूह भेज दिया या फिर वो चक्रव्यूह में फंस गए? देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति केवल निर्भर करती है हरीश रावत जी के फैसलों पे, और हरीश रावत जी जो कहेंगे तो कांग्रेस को वो करना पड़ता है, आपके यहाँ केजरीवाल फैसले लेते हैं तो दिक्कत है आपको? नहीं यहाँ पर केजरीवाल जी आपको दिक्कत हो जाती है, हमारे दिक्कत नहीं, केजरीवाल जी तो राष्ट्रीय संयोजक है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ तो ये कह रहे थे कि एक कांग्रेस दोगली बातें क्यों कर रही है कि परिवार में से एक को टिकट देंगे, यहाँ पर दो दो को दे दिया ना एक परिवार में से, इन्होंने कहा था कि नहीं परिवारवाद नहीं है और परिवार में हम एक को टिकट देंगे, है ना, और इन्होंने क्या फिर दूसरी तरफ इन्होंने एक बार बरखा रानी को यहाँ का ज्वालापुर का कैंडिडेट बनाया और उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार शुरू किया सोशल मीडिया में, विशेषाधिकार है नहीं तो क्या हम हमें आम आदमी पार्टी बताएगी कि बरखा रानी को दे या ये लोग उलझे हुए हैं अपने आप में, इन्हें पता ही नहीं चल रहा हमें करना क्या है, क्या नहीं करना, हम तो उलझे हुए हैं, आप भी सुनिए, आप अपनी पार्टी में टिकट नहीं बांट पाए अभी तक, अमरजीत जी थोड़ा सा सुन भी लीजिए, है ना,
पेशेंस रखिए सुनने का भी नहीं, आप, कि नहीं, आप ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपके अंदरूनी पार्टी के मामले में कांग्रेस पार्टी जनता के लिए ये अंदरूनी मामले जनता के लिए भारी पड़ जाते हैं कभी कभी ना। वो तो आप जनता की भलाई के लिए जाना है ना, ये जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में लड़ेगा पार्टी किस पार्टी तय नहीं करेगी, ये जनता ने तय करना है कि पार्टी का फैसला सही था या गलत था, जनता ने तय करना। आम आदमी पार्टी तो जनता भी तय करेगी 2022 में बताएगी ना, आम आदमी पार्टी तय करेगी 14 तारीख को बताएगी जनता आपको, 14 तारीख को और आप देख लीजिए पूरी तरह से उखेड़ के बाहर फेंक दिया पार्टी को। आप लोग आपस में खींचतान, एक की टांग की दूसरे की टांग की, एक दूसरे नेता एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आपके कार्यालय में प्रदर्शन नहीं हुआ, आपके कार्यालय में विरोध नहीं हुआ, भूल गए अपने कार्यालय में विरोध। हमारे हमारे यहाँ जितनी सीटें हुई है किसी का कोई विरोध नहीं हुआ, तो किसी भी सीट पे किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ क्या? किसी भी सीट में किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था जिसका रविंद्र आनंद की सीट पर विरोध हुआ है, वो चले गए ना। अभी वो पार्टी में रह के तो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं ना, आपके यहाँ तो पार्टी में रह के पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। आपके जो है रुद्रपुर में जो है राजकुमार चले लड़ूंगा, उन्होंने मेहनत करी। नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो अमरजीत भाई जी को समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसा कुछ है, थोड़ा सा अपनी घर की लड़ाई को खत्म करके थोड़ा जनता के लिए सोचना शुरू करें तो जनता उनके घर लड़ाई ना होती सुनीता बाजवा आपके यहाँ थोड़ी ना आ जाती, उनके घर लड़ाई में सुनीता बाजवा आपके यहाँ आ गई ना। आप तो ऐसे कह रहे कि यहाँ पर उत्तराखंड में आपने उनकी ज्वाइनिंग करवाई हो, आप भी दिल्ली लेकर गए ना केजरीवाल जी के पास, वहां ज्वाइनिंग करवाई ना आपने भी, आपकी पार्टी दिल्ली से चलती है, ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं दिल्ली से नहीं चलती, अगर उनका मन अरविंद केजरीवाल जी के पास ज्वाइनिंग का था तो वो चले गए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं के पास नहीं जा सकते। ओके 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 कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं। अमरजीत जी आप ये बताइए, जो बात हेमा जी पूछ रही हैं अभी थोड़ी देर बाद अवधेश जी भी पूछेंगे, बतौर पत्रकार वो भी कहेंगे कि आप परिवारवाद की बात करते हैं लेकिन बेटी को टिकट दे दिया, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आपसे, तो क्या कहेंगे आप? इसमें परिवारवाद कहां, वो आज ही से नहीं, लगातार अवधेश भाई को भी मालूम है, कब से तैयारी कर रही है वहां से, वो क्षेत्र में डटी हुई है परिवारवाद की बात करते हैं। अमरजीत जी भी तैयारी कर रहे हैं, अमरजीत ने कभी कैंट से दावेदारी की तो आपको मिला क्या टिकट? आप भी किसी मंत्री पुत्र के बेटे होते तो आपको भी मिल जाता। नहीं निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, हम कांग्रेस के तो कार्यकर्ता है, अनुकृति गोसाई कौन सी कार्यकर्ता है, कितना काम किया कांग्रेस के लिए बताइए, मुझे बात नहीं, आप उन्होंने जमीन पर काम किया है, उनके कामों पर मोहर लगी है, इसीलिए अमरजीत से ज्यादा, अमरजीत जी से ज्यादा अगर उन्होंने काम किया तो बताइए। मेरा क्षेत्र नहीं था ना, जिस क्षेत्र से वो आती है उस क्षेत्र में था, जिस क्षेत्र से वो आती है अन्य कार्यकर्ताओं से अन्य लोगों से, उसका आधार क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आप आधार सुनने को तैयार नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, कोरोना काल में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उनके कामों के आधार पर उनको टिकट मिला है। अगर आप हरक सिंह जी की, हमने हरक सिंह को टिकट दिया ही नहीं, हमने दिया ही अनुकृति गोसाई को, इसीलिए दिया है कि उन्होंने उस क्षेत्र में लैंडस्डाउन में काम किया है। चोबट्टा खाल भेज रहे थे आप, उन्होंने कहा कि राजनीतिक शहादत से अच्छा है कि चुनाव ना लड़ो। मेरे कयास नहीं थे अमरजीत जी, मेरे कयास थे कि हरीश रावत जी जो है वो सीट बदलेंगे वो हुआ, मेरे कयास थे कि किशोर उपाध्याय जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सही हो सकते हैं, हरक सिंह रावत की गारंटी तो अमरजीत जी कोटद्वार की जनता ही नहीं लेती सर, गारंटी तो उनके क्षेत्र की जनता नहीं लेती, आप कहां से गारंटी ले रहे हैं? एक मिनट रुकिए आप देश मोटियाल जी। हाँ जी चलिए जी, अमरजीत जी कह रहे हैं कि अनुकृति गोसाई ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी इसलिए टिकट मिला, अनुपमा रावत मेहनत कर रही थी इसलिए उनको टिकट मिला, ऐसा नहीं है कि वो पिता पुत्र वाली कहानी है, कोई पुत्र वधू वाली कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देश मोटियाल देखिए, बिल्कुल तिलक जी, अभी चूंकि टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, चैनल के सामने हैं, तो इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी का जो एक प्रवक्ता की भूमिका है वो तो निभानी पड़ेगी ईमानदारी से, लेकिन इस चीज को वो भी जानते हैं कि अगर जैसे बॉलीवुड के स्टार किड्स होते हैं ना, कि स्टार किड्स को एंट्री आसानी से मिल जाती है, बड़ी फिल्म बिग बजट की पिक्चर मिल जाती है, बड़ा वो होता है, बड़ा शोर शराबे के साथ उनका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो वही वैसे ही जो राजनेताओं के बेटे या बेटियां होती हैं उनकी आसानी से पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाती है,
उसकी अपेक्षा जो अन्य लोग होते हैं, हम अमरजीत जी को ले लें, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने आईटी सेक्टर जो है उसको कांग्रेस को बहुत मजबूत किया, जबकि बीजेपी कहां थी और अमरजीत ने अपनी मेहनत से वहां पहुंचाया, लेकिन फिर भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लगातार, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक तरफ बीजेपी की पूरी फौज है और अमरजीत जी एक सिस्टम लेकर क्या कर लेते, छोड़िए ना वो बहुत सारी बातें, घर की घर में रहने दीजिए, एक सिस्टम से वही लड़ाई लड़ी जाती है, वही चीज है। कहीं ना कहीं जो नेता का पुत्र होना, पुत्री होना या उनका परिवार का बहू होना बिल्कुल फायदेमंद रहता है। अगर अनुकृति किसानी इतना ही काम कर रही थी तो बीजेपी ने क्यों टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी पूरा सर्वे के आधार पर बीजेपी को लग रहा था कि भाई जिताओ कैंडिडेट नहीं है, अगर आपको लड़ना है तो आपको लैंडस्लाइड से लड़ा देते हैं, लेकिन अगर आप बहू के लिए टिकट मांग रहे तो बहुत मुश्किल, क्योंकि बीजेपी ने पूरे सर्वे करा रखे थे। तो वही बात अब कांग्रेस भी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हरीश रावत जी चाहते थे कि हरक सिंह जी भी लड़े और लड़े तो चौबटा खाल से लड़े, क्योंकि सारे लोग जो उनकी राह के कांटे थे एक एक करके सारे कांटे उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिए, अब दूर दूर तक कोई कांटा नहीं है। ठीक है, हरक सिंह रावत जी भी अगर बनते तो वो कहते कि जाओ चौबटा खाल, जाकर खुद को साबित कर दो, आप उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, आप गढ़वाल के शेर हैं, तो आप चौबटा खाल में महाराज जी से दो दो हाथ कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को लग गया कि महाराज भी मेरे से दुगने हैं, महाराज एक आवाज मारेंगे तो देश भर से उनके आने अनुयायियों की फौज खड़ी हो जाएगी, गांव के गांव उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गांव के गांव पहुंच जाएंगे, यहीं से नहीं मिजोरम, सिक्किम, आसाम, हर जगह जाएंगे। ना 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 ना, इतने बड़े नेता है जो मंत्रालय जूते की नोक पर रखते हैं, समझ रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि मेरा ना 70 सीटों पर प्रभाव है, उत्तराखंड की 70 सीटों पर। मैंने कहा क्यों इधर से उधर भटक रहे हो, अगर आपकी 70 सीटों पर प्रभाव है क्यों कांग्रेस के दरवाजे पर 7 दिन तक चौखट पर खड़े रहे कि ले लो ले लो ले लो पार्टी में ले लो, भैया खुद ही 70 प्रत्याशी उतार देते, चुनाव जीतते और मुख्यमंत्री बन जाते जब इतने बड़े नेता होता, है ना तिलक जी। 70 उतारने की भी, तिलक जी 70 उतारने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप गढ़वाल के, आपको लोग गढ़वाल का शेयर कहते हैं, आप गढ़वाल की सभी सीटों पे कैंडिडेट उतार देते और जिस तरह आज जिस तरह के वर्तमान पॉलिटिकल समीकरण जो बन रहे हैं बिल्कुल त्रिकोणीय बन रहे हैं, आप गढ़वाल की सभी सीटों पर लड़ाते, ना जाते कुमाऊं ना जाते मैदान में, आप गढ़वाल की सीटों पर लड़ाते और सब जीत के दिखाते तो मुख्यमंत्री के तीसरे मोर्चे। सीमा जी पिक्चर में आ गई, सीमा जी पिक्चर में आ गई, सीमा मैडम कैसे हैं आप? हेमा सॉरी दूसरी डिबेट में थी इसलिए नहीं आ पाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी डिबेट जो है वो बस लोग पसंद करते हैं, बाकी नेताओं को पसंद नहीं आती है क्योंकि सवाल थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। हेमा जी बहुत देर से इंतजार कर रही थी आपका, कह रही है कि बीजेपी की तरफ से सीमा जी दिखाई नहीं दे रही है, लगता है गायब होगी। मैंने कहा नहीं थोड़ी देर में आएंगी सीमा मैडम, हेमा मैडम आ चुकी है सीमा जी। सीमा जी मुझे तो लगा कि आप फाइबर गेट की तरह आग को बुझाने का काम कर रहे होंगे इस वक्त, रुद्रपुर में बड़ी भयंकर आग लगी हुई है सुनने में आया, सियासी आग रुद्रपुर में, इलेक्शंस हैं, कहीं कहीं सर्द हवाएं कभी गर्म हवाएं चलती रहती हैं, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो भी सब शांत हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हवाएं चलती जरूर है लेकिन थम जाती हैं। रुद्रपुर ने ठुकराल जी ने मोर्चा खोल दिया, कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं किसी को, टिकट भेज दिया, बहुत गुस्सा हो रहे थे मुझसे अभी थोड़ी देर बाद लाइव से थोड़ी देर पहले मेरे साथ, बोले कि टिकट बेच दिया, जिन्होंने खरीदा जिन्होंने बेचा उसका खुलासा करूंगा तिलक चावला देखना 1 तारीख को, मैंने तो कहा भी कर दो खुलासा, कह रहे नहीं टिकट खरीदा और बेचा। तो बहुत सीनियर है और बहुत वरिष्ठ है, क्या बोल सकते हैं उनके लिए, लेकिन वो वाली बात होती है कि अंगूर नहीं मिले तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, अगर आपको टिकट मिलती तो ना बिकती, अगर टिकट आपको नहीं मिली तो टिकट बिक गई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपनी पार्टी के हैं, इतने साल पार्टी ने आपको सम्मान दिया और आप जीतते आए, लेकिन इस बार आपको टिकट नहीं दी तो आप किसी और को मौका देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने सबसे ज्यादा जो है अपने बूते पर प्रत्याशियों को जिताया, चाहे वो लोकसभा हो, मेरे यहाँ से सबसे ज्यादा वोट पड़ते थे, मेरा टिकट काट दिया, अन्याय हुआ मेरे साथ। अगर देखे सर्वे में अगर ऐसा आया होता कि वो जिता सकते हैं खाली तो पार्टी का बिना उसके टिकट काटते। सरिता आर्य कौन से सर्वे हुआ था? सरिता आर्य भी काम करते हैं। किशोर उपाध्याय का कौन सा सर्वे हुआ था? किसका हुआ था? किशोर उपाध्याय जी का सर्वे हुआ था क्या? पहले सर्वे करवा दिया। किशोर उपाध्याय अपने में बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, अच्छा बहुत काम किया, सीनियर नहीं है, दो दो बार से विधायक है वो सीनियर नहीं है।
उनके डर से बेहद जी किसका चलेगा, आपने उनका टिकट काट दिया। उनको मौका मिला भी, मेरी बात सुनिए, उनको मौका मिला और उन्होंने सेवा करी, जनहित में काम किया। आप किसी और को भी मौका लेने दीजिए। तिलक जी, जनहित में जो काम किए थे, मैं बता दूं 2016 में लगभग किशोर उपाध्याय जी ने 500 जनसभाएं की थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, उसी को लेकर के उन्होंने 500 से ज्यादा जनसभाएं की थी। आज इनको अच्छे लग रहे, इन्हीं का विरोध किया था उसने। आज जो है उन्होंने साथ में ये बोला भी तो कि जब मैं कांग्रेस के साथ था तो मैं उनकी कांग्रेस के विचारधाराओं से सहमत था। आज कांग्रेस जिस तरफ चल रही है, कांग्रेस का जो रुख है चलने का, राजनीति करने का, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित होके वहां पे आ रहा हूं। नहीं, कौन से काम कर रहा है? काम नहीं बताया उन्होंने, कुछ काम गिनाए नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी ने। काम गिनाए कि नहीं गिनाए? आप से जुड़ना चाहते हैं आप, तो अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप जैसे प्रवक्ता लोग मीडिया चैनलों में बैठ करके तमाम लोग सवाल खड़े करा करते थे। आज आपको वही किशोर उपाध्याय जी अच्छे लगने लग गए हैं, ठीक है ना? अब वही सर्वे की बात आ रही है कि ठकुराल जी को क्यों बाहर किया, तो आप कह रहे हैं अंगूर खट्टे थे। ये अंगूर आप लोगों के लिए भी खट्टे हैं, इसमें उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको जब कोई चीज अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप भी अंगूर खट्टे कह देते हैं। भाई हमने भी मांगा था टिकट, सुनिए सर, नहीं मिला तो हमने क्या बोला? आप देखिए अपने कैंट में, अपने गिरावन में झाकिए कि कैंट में आपका क्या हाल है। सारे विरोध कर रहे हैं दसवाना जी का, क्योंकि उत्तराखंड के विरोधी थे, जहाँ इलेक्शन आते हैं, जहाँ बंदे कैंडिडेट खड़े होते हैं, वहाँ पर 14 नाराज होंगे ही होंगे, उसमें से कुछ देखिए। इनको अपना विरोध दबाने के लिए बाउंसर खड़े करने पड़ते हैं कार्यालय में। अब ध्यान दीजिए, कांग्रेस के बाउंसर खड़े करने नहीं पड़ते, विरोध करना कार्यकर्ता का अधिकार है। आपके यहाँ गेट नहीं है तो बाउंसर कहाँ खड़े करोगे आप? नहीं तो ठीक है, बाउंसर की बात नहीं है। देखो ना, अरे बाउंसर तो आपस में लड़ते हैं, उनको पूरी सड़क पे आके लड़ते हैं, कार्यालय के बाहर लड़ते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे संस्कारों की पार्टी है, किस तरह से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खड़े की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खड़े की आपने? एक मिनट, अब देश आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले सीमा मैडम, आपने कहा कैंट में क्या, कौन विरोध कर रहा है कांग्रेस के घर में, क्या विरोध हो रहा है? दसवाना जी का विरोध है, कोई विरोध नहीं है। उत्तराखंडी उत्तराखंडियत के खिलाफ रही है, सुराज चाहते नहीं थे उत्तराखंड बने, कोई विरोधी नहीं है। आप क्यों नहीं है? कितने विरोध कर रहे हैं? दर्शन रावत जी विरोध कर रहे हैं, कुंडी राकेश विरोध कर रहे हैं। ये देखिए ना, विरोध तो सारे विनय गोयल जी आपके विरोध, कोई नहीं है, कोई अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। उन्होंने संगठन से कहा जरूर, बाकी के लोगों ने उन्होंने जरूर संगठन से कहा कि एक बार जरूर सोच ले इस बात को। लेकिन ऐसे संविता कपूर जी का कभी आप संवेदनाओं पर वोट बटोरना चाहती हैं, जनता ना संवेदनाओं पर वोट दे रही है, आपके कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़े हैं, आपके कार्यकर्ता ही जो है वो निर्दलीय खड़े होने की तैयारी में है। अब मैं आ रहा हूँ मुद्दे पर, आपस में तूतू मैं तो आप करिए, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में इतिहास गवाह है। मैं तथ्यों के साथ आपको बता सकता हूँ, प्रमाण के साथ, नाम के साथ, यही बागी चुनाव जीते। अब देश नोटियाल जी, यही बागी चुनाव जीते, विधायक बने, जिस पार्टी के साथ विचारधारा की बात करते थे उसको छोड़कर दूसरे को समर्थन दे दिया। जहां सत्ता की जरूरत हुई, इन्हीं बागियों ने निर्दलीय बनकर सत्ता को समर्थन दिया। प्रमाण के साथ नाम लेकर बता सकता हूं, अमरजीत जी, सीमा जी, अवधेश नोटियाल, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्या कुछ सीटों पर? अनम्यूट कर लीजिए अवधेश भाई। जो गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान की तमाम सीटों पर इस तरह के समीकरण है, ये किसी एक सीट का मामला नहीं है। ये चुनाव जो 2022 का चुनाव है, ये कई मायनों में अलग चुनाव है। अब हम जो पहले हम थे कि पहले जो अभी सीमा जी और अमरजीत जी बोल रहे थे, पहले दिखती थी पार्टी के प्रति निष्ठाएं, तमाम चीज दिखती थी। लेकिन अब जिन नेताओं को थोड़ा बहुत भी लगता है कि जीतने की संभावनाएं 10% भी है, तो वहां पर निष्ठाएं बदल रही है। अब कोई भी नेता 5 साल इंतजार करने को तैयार नहीं है।
वो पांच साल जिसका टिकट कट रहा है या जो वर्तमान सिटिंग विधायक है उसका टिकट कट जाए या दूसरा नेता जिसको टिकट ना मिल पाए, तो पांच साल एक लंबी अवधि होती है। पहले अलग था, आज से पांच साल पहले की चीजें परिस्थितियां भिन्न थी। अब वर्तमान जो 2022 में परिस्थितियां हैं बिल्कुल भिन्न है। कोई भी नेता पांच साल घर बैठने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कि ये इनके इन प्रकार किसी भी पार्टी से टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अब जो भाजपा कांग्रेस पहले अलग अलग विचारधाराओं की बात करती थी, लेकिन अगर उत्तराखंड में देखें तो कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। इतना दोनों पार्टियों में इतना विलय हो चुका है कि यहाँ से नेता वहां जाते हैं, वहां से नेता यहाँ आते हैं। आएंगे नहीं आएंगे आदेश भाई, टीवी वाले किसको कहा, बिल्कुल वो वहां चले गए, वो वहां चले गए, मतलब टिहरी वाले कोई सिद्धांत कोई नीति और कोई नीति नहीं। आप खुद देखें तिलक भाई कि अगर सर्वे में आपका विधायक हार रहा था तो वही कांग्रेस उस विधायक को टिकट दे रही है। जिस विधायक को आप कहते हैं कि हम सिटिंग विधायक का टिकट काट रहे हैं वो हार रहा था, उस विधायक को आप कह रहे हैं। और सर्वे में जो कांग्रेस किशोर उपाध्याय को मान के चल रही थी कि किशोर उपाध्याय की स्थिति मजबूत नहीं है और शायद वो विरोधी लोगों से मिल रहे हैं, तो आपने काट दिया, तो आपने गले लगा दिया, आपने कहा कि वो जीत रहे हैं, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। अगर वो बड़ा ब्राह्मण चेहरा था तो कांग्रेस के भी जरूरी होने चाहिए थे, तो भाजपा में आते ही वो बड़ा ब्राह्मण चेहरा हो गया और कांग्रेस में आते ही जो है वो रात में भाजपा नेताओं से मिलने वाले जो है दोगले नेता हो गए। तो कहीं ना कहीं कहानियां तिलक जी उत्तराखंड में बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं, सियासत अब बदल चुकी है। अब हर कोई सत्ता की मलाई चाटना चाहता है किसी भी कीमत पर, वो नहीं उसको ना भाजपा के सिद्धांतों से मतलब है, ना कांग्रेस के, ना आम आदमी पार्टी के, ना यूकेडी से। वो चाहता है कि सत्ता में कब बना रहूं, वो किसी भी प्रकार से कैसे भी जुगाड़ बैठ जाए, मुझे टिकट मिल जाए, भले ही वो रहने वाला चंपावत का और उसको रुद्रप्रयाग का टिकट दे दो, वो कहकर मैं रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ जाऊंगा, बस मुझे केवल आप टिकट दे दीजिए। तो अब वो चीज हो गई कि पांच साल अगर सीमा डोरा जी मेहनत करती हैं और अवधेश नोटियाल को सीमा जी के क्षेत्र में चुनाव लड़ने भेज दिया जाए, एक नेता के तौर पर उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे मत दीजिए, मैं तो सीमा जी के क्षेत्र में गया भी नहीं हूं, मैं सोचूंगा हाँ बिल्कुल दे दीजिए, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, मैं जीत हार तो बात की बात है। तो अब चीजें बदल चुकी हैं, राजनीति एक किस्म से व्यवसायीकरण की तरफ आ गया है, हर कोई इसमें प्रॉफिट देख रहा है। हेमा भंडारी, ये दिल्ली नहीं है, समझ रहे मैडम, ना ये दिल्ली है ना ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड का इतिहास बता रहा हूँ आपको, तीन से चार चार वोट लोग हारते और जीतते हैं, कोई विधायक बन जाता है, कोई विधायक का चुनाव हार जाता है, चार चार वोट। जी जी, कई ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी पार्टी को किनारे रख दिया, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने के नाम पर चुनाव जीते, पार्टी को किनारे रखा और सत्ता की गोद में बैठ गए, है ना। आप लोगों की ये स्थिति आएगी, घर बचा लोगे अपना? देखिए, आम आदमी पार्टी को लेके ये इनको जो गलतफहमी थी वो दिल्ली में भी थी कि आम आदमी पार्टी अभी अभी उभरी है और ये क्या जनता के बीच में जाएगी, ये लगातार वहां पर राज कर रहे थे भाजपा कांग्रेस वाले, लगातार प्रत्याशी नहीं आपके पास, कह रहे हैं नहीं सत्तर प्रत्याशी नहीं है, नहीं नहीं ढूंढ कर लोगों को टिकट दे रहे हैं आप। अरे अमरजीत, ये कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया ना, इसलिए अमरजीत जी बेचारे तकलीफ में है, तकलीफ उनकी बोल रही है। और यहाँ पर जो मैं तो अभी बात कर रहा था, मैं तो भाजपा और कांग्रेस कह रहा था, उन्होंने मान लिया कि तिरपन में तो कोई हमारे कॉन्ट्रोवर्सी है ही नहीं, तिरपन में तो मैंने पहले भी कहा हमारे 35-40 हमारे विधायक आ रहे हैं, चुनते आ रहे हैं, हम तो पहली सूची में सरकार बना रहे थे, दूसरी सूची जाने के बाद हम 45+ जा रहे हैं। आप अपने घर को संभालिए, आप अपने घर को संभालिए, जैसे ही अनुपमा रावत जी ने ग्रामीण से उनका टिकट कंफर्म हुआ, आप कर अपने घर को संभालिए और फिर कोर्ट कर रहे हमारे घर को, आप अपनी बात करिए ना, राजीव जी ने सवाल जो था तिलक राज, देखो इतने बड़े बड़े नेताओं ने आपके यहाँ से इस्तीफा दिया, आपकी पार्टी के प्रति था, आप ये देखिए ना इस्तीफा दिया, आप ये देखिए ना उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया, आप देखो ना बड़े बड़े नेता आपके जा रहे हैं, उन्हें थामिए, उन्हें थामिए, ऐसा ना हो कि उत्तराखंड से भी सुपड़ा साफ हो जाए। तो थोड़ा सा अपने घर पे ध्यान रखिएगा, और ये आप जो टिकटों की बंदर बाहर नहीं मिला तो हमारे यहाँ से टूट जाएगा, चिंता मत करो, यहाँ के नेता उधर और उधर के नेता इधर रहेंगे, लेकिन अगर भाजपा ने नहीं दिया तो कांग्रेस जरूर देगी, और अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो भाजपा जरूर देगी, आपस में एक लेके बैठे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी तो आम लोगों को टिकट भी दे रही है ना, आम लोगों को, आपकी चौखट आम आदमी पार्टी नहीं है, आप तो इंतजार करते रहे कि कोई तो आए, देखिए हमारे हमारे यहाँ पर
हमारे यहाँ से सबने नामांकन कर लिया, अधिकतर लोगों ने कर लिया, अब इनके यहाँ तो अभी भी सिंबल नहीं दिए जा रहे, सोच रहे हैं कि अभी भी जरा दो चार लोग आ जाए, इधर से उधर पलटनी पड़ जाए सीटें। अब अमर जी जी आप बड़ी खबर देखी आपने, हरीश रावत ने सीट बदल दी, अब वो लाल कुआं चले गए, मतलब रामनगर वाला जो उनको डाउट था A4 बट वाली कहानी थी, अब वो फोकस बिल्कुल क्लियर है कि लड़ाई आप लोगों से लड़नी है, आपस में नहीं लड़नी। अमरजीत जी ये बता रहे थे उनको कोई लड़ने कहां दे रहा, और समझ में नहीं आ रहा संन्यास लेने का समय आ गया है। किसका? ठीक है, लूट का मसौदा जो तैयार किया था वो भी पूरा हो चुका, लूट लिया जितना लूटना था, अब कम से कम शांति से घर बैठे। थोड़ी आपने घर बैठा दिया मुख्यमंत्री को, त्रिवेंद्र रावत जी को कहां से लड़ा रहे थे आप? अभी भी समय है, बताइए कोई लड़ा रहे हो, कहीं से कोई सीट दे रहे हो उनको? हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने ना खुद चिट्ठी लिख के कह दिया। अच्छा, दो दिन पहले? नहीं नहीं, संगठन की सेवा करनी है, मुख्यमंत्री बनने का, कि उनको कहीं ना कहीं से लड़ना है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। आ रही थी तो दो दिन पहले मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, पहले लूट कर मचा ली और अब उसके बाद आ रहे हैं कि अब मुझे टिकट लेनी है कहीं ना कहीं से। सीमा मैडम, अमरजीत जी, आपको कैसे मालूम कि उन्होंने चिट्ठी खुद लिखी है या लिखवाई है किसी ने? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने लिखवाई, आपको लग रहा है कि किसी ने लखवाई है? वही कह रहा हूँ, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है, लिखाई उनकी है, लिखवाई गई कहीं और से है। आपको ये लग रहा है जो सर्वे हुआ था उनकी टिकट कटने वाली थी इसलिए वो चिट्ठी लिखवाई गई? वो तो ये बताएंगे सीमा डोरा जी की टिकट कट रही है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। सीमा मैडम को यही नहीं पता कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया, तो उनको कैसे मालूम होगा कि उनकी टिकट कैसे? मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ, चार साल उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए, एक निकम्मा मुख्यमंत्री दे दिया, पार्टी के सर्वे में भी उनको निकम्मा ही घोषित कर दिया गया, इसी वजह से इनको तो माननी चाहिए इन बातों को। हरीश रावत के चेहरे पे तो चुनाव पार्टी लड़ी रही है, यहाँ तो चाहते हैं लोग हरीश रावत को, वो रामनगर से लड़ते हैं यहाँ, तभी तो जगह जगह से धक्के पड़ रहे हैं उनको, कोई वेलकम नहीं कर रहा उनका, नहीं कोई रामनगर से लड़ने दे रहा उनको, कहीं से नहीं लड़ने दे रहा उनको। अगर कोई कार्यकर्ता चाहता है उनके सीट को बदल दिया जाए तो बदल जाए, आपको खुश समझ में नहीं आ रहा तो मैं बड़ी पड़ी आपकी पार्टी इसमें सीमा जी बाजी तो चुकी पूरी तरीके से। अच्छा, लेकिन आप लोग स्वीकारेंगे नहीं इस बात को, बहुत जल्द 12 तारीख को 14 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, जनता पार्टी दोबारा जीत हासिल करेगी, आप अपना बोरी बिस्तरा समेट लीजिए, फिर से ऐसे ही राज्य करेगी जैसे आज करी, और जनता के भलाई कर कर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बना आप लोगों से जिस प्रकार से आपने राज किया है, जनता ये राज कतई नहीं चाहती, जनता ये राज कतई नहीं चाहती। एक मिनट अवधेश जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, पिछले 5 दिन से जो मेरे पास इनपुट आ रहा था, मैंने उसका जिक्र भी किया कि पिता की हार का बदला बेटी लेगी, पिता की हार का बदला बेटी लेगी, और वही हुआ कोटद्वार में आज, मैडम को चुनावी रण में उतार दिया। क्या बीजेपी के घर के भीतर से एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, कि वो छप्पा ना लगे कि आपने अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दे दिया तो कम से कम हमने भी जो है सम्मान रखा। बिल्कुल तिलक जी, देखिए बात ये थी कि जिस पौड़ी जनपद की हम बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों में पौड़ी जनपद की सीटें उलझ कर रह गई थी, सभी सीटें जो है ठाकुर सभी सीटों पर जो ठाकुर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए थे, ये बात लगातार बीजेपी संगठन के अंदर से उठ रही थी कि पौड़ी जनपद की सीटों पर जो है कम से कम दो या तीन दो ब्राह्मण चेहरे कम से कम होने चाहिए थे ताकि अनुपात बराबर रहता, लेकिन अब उनके पास केवल कोटद्वार सीट बची थी। कोटद्वार सीट में पहले जो बातचीत चल रही थी वो जनरल बिपिन रावत के जो भाई हैं विजय रावत, उनसे जो कर्नल विजय रावत है बातचीत चली, लेकिन उनका स्वास्थ्य और तमाम कारण देखते हुए नहीं बात बन पाई। उसके बाद जो वहां पर स्थानीय स्तर पर जब बातचीत हुई, लेकिन जो धीरेंद्र चौहान थे उनकी स्थिति थोड़ा मजबूत थी, लेकिन उनके समर्थकों ने पहली जो बीजेपी मुर्दाबाद के नारे जो टिकट घोषित करने से पहले लगा दिए उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद बीजेपी के पास विनोद रावत का नाम चला, लेकिन बीजेपी एक ऐसे नेता को चाहती थी कि जो कम से कम हम समीकरण साध सकें। इसी बीच जो बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो एकजुट हुई, उन्होंने इस चीज को उठाया कि आपने कांग्रेस से आई प्रदेश अध्यक्ष को तो टिकट दे दिया, लेकिन हमारी इसका टिकट काट दिया गया,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि शायद कोरदार के पास कैंडिडेट भी बीजेपी के पास वो नहीं, उन्होंने बोला कि यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये डोई वाला फाइनल हुआ कि नहीं अभी बीजेपी में? देखिए डोई वाला की जो लास्ट स्थिति है, दीप्ति रावत और सौरभ थपलियाल में से किसी एक के नाम पे मोहर लगनी है। अभी तक जो दीप्ति रावत का नाम है वो ऊपर है, सौरभ थपलियाल का नाम दूसरे नंबर पर है। तो अभी जो स्थितियां हैं यहाँ पर भी अगर पैरासूट आता है तो ये इसकी स्थिति ठीक कोरदार की तरह होगी। आप सोचिए कि जो भुवनचंद खंडूरी अर्जुन थे 2012 में, खंडूरी है जरूरी का नारा लेकर मैदान में उतरे थे कोरदार के कुरुक्षेत्र से, जब वो खंडूरी चक्रव्यूह नहीं भेज पाए तो अभिमन्यु बनकर जब उनकी बेटी अब 2022 में मैदान में उतरी है तो वो अभिमन्यु कैसे कोरदार का चक्रव्यूह भेजेगा, क्योंकि वो कोरदार का जो चक्रव्यूह है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण से बहुत टेढ़ा है वहां पर। देखिए पहले की और आज की बात में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है और साथ में ही अच्छा, हमारे साथ डबल इंजन की सरकार है। इसका इस कारण कोटद्वार में काम किया है। उस समय की बात आप छोड़ दीजिए, उस समय मोदी जी में काम किया है ये तो पता। हाँ नाम जवाब दे दीजिए खाली, है क्या वो पूछ रहे हैं कोटद्वार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये हाँ या ना में बस। कोटद्वार में जो विकास हुआ और आगे भी हो जाएगा, हो जाएगा ना, बट ठीक है मैं ये जानना चाह रहा था। हमें इतनी ही चिंता होती है कि हमें टिकट निकालनी है, निकालिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग कह रहे थे कि वहाँ के जो विधायक थे हमारे, उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया पार्टी का। अमरजीत आप विकास के नाम पर मांग रहे हैं, आरोप हरक सिंह रावत पे लगा देते हैं। एक मिनट अमरजीत जी, आपको इतनी चिंता है ना, वो जो रो रहे थे ना कोटद्वार के आंसू दिखाई नहीं दिया आपके जनता को पिछले 4.5 साल। कोटद्वार की जनता के आंसू पोंछने कोई नहीं गया जब वो रो रहे थे कोटद्वार की जनता 4.5 साल तक। नहीं तो आप लोग इधर आपको भी मालूम है कोटद्वार का कितना विकास हुआ, रुद्रप्रयाग का कितना विकास किया कि नहीं किया सर। इतना विकास होता है ना तो रण छोड़ के नहीं भागते हैं। तो यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मेरा भी तो वही प्रश्न जो आपका है जी। तो उन्हीं से पूछो ना, अब तो आपके साथ मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, उनसे यही पूछना जानना चाह रहा था कि अगर उन्होंने इतना ही विकास किया है तो फिर आरोप लगा करके तो इसलिए बर्खास्त किया गया, काम ही नहीं किया उन्होंने वहां पे, उन्होंने तो धमकाने की कोशिश करी। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आपने क्यों उनको गोदी में बैठा लिया? हमने तो बैठा ही नहीं, उन्होंने तो काम नहीं किया ना। वो तो निस्वार्थ भाव से कांग्रेस की सेवा करने के लिए आया, निस्वार्थ भाव कभी ना रहेगा, राजनीति भी ना रहेगा, जनता को भी पता। हमने तो समाज को टिकट ही नहीं दिया उनको, इतने भारी भरकम टिकट दे दिया आपने, उनकी बहू को तो दे दिया, बात तो एक ही है। अरे मैं समझ में नहीं आता, तो इस प्रकार से खंडूरी की बेटी को आपने दे दिया, इससे पहले आपने जो यशपाल जी के बेटे को दे दिया, क्या बात कह रहे हैं? हरक सिंह ऑलरेडी निस्वार्थ भाव से कांग्रेस सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। जी अमरजीत जी, किसी सही व्यक्ति के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करिए ना, जहाँ पर तिलक जी उनका बयान था निस्वार्थ भाव, वो भी हरक सिंह रावत। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, अभी तो सीमा जी हंस भी रही है और अपनी बात का जवाब भी उल्टा दे रही है। मैं यही तो पूछ रहा, अगर वो निस्वार्थ नहीं तो क्या काम नहीं किया आपकी पार्टी में रहते हुए? अच्छा, हरक सिंह जी ने क्या काम नहीं किया मुझे बता दीजिए, कह दीजिए काम नहीं किया उन्होंने, बता दीजिए नुकसान किया। तो आप देश भाई देखिए ना, ये चैनल में बता दीजिए। एक मिनट सिर्फ स्थिति टीरी की नहीं है, मैं बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। आप पड़ोस की सीट नरेंद्र नगर जाइए, नरेंद्र नगर में साहब चुनाव जीते थे जब उत्तराखंड क्रांति दल में थे, बोले कि देखे जनता ने उत्तराखंड की भलाई के लिए मुझे चुना है, मैं युवा विधायक हूं। कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी से धोखा दिया, पहले बीजेपी की गोद में बैठे अब कांग्रेस की गोद में, कांग्रेस वाले बीजेपी में गए, बीजेपी वाले कांग्रेस में। अवधेश भाई नरेंद्र नगर में भी तो यही है। देखिए बिल्कुल ये नरेंद्र नगर ये तमाम विधानसभा का हाल है। मैंने कहा ना आपसे कि जो सत्ता है हर कोई सत्ता में ये इनके इन प्रकार ने सत्ता में बना रहना चाहता है। ओम गोपाल रावत भी जानते थे कि अगर निर्दलीय लड़ूंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी, जो मैं हर बार लास्ट तक पहुंच जाता हूं और जो थोड़ा सा मार्जन रह जाता है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय हूं उसकी वजह से असर पड़ रहा है। तो अगर मैं कांग्रेस पर रहूंगा तो कम से कम जो कांग्रेस का कैडर वोट है, जो 3-4 हजार कैडर वोट कांग्रेस का नरेंद्र नगर में है, उस कैडर वोट का फायदा मिलेगा। अभी जैसे कोटद्वार को लेकर अभी हमें सीमा जी बोल रही थी कि 2012 के समीकरण अलग थे, अब हमारे ऊपर मोदी के छत्र छाया है, तब तक वो बोलते बोलते रुक गई।
लेकिन सीमा जी मैं कहना चाहूंगा कि 2012 में अन्ना का आंदोलन था, वो अन्ना का आंदोलन जिसने निशंक जी को कुर्सी से हटाकर भुवन चंद खंडूरी को दोबारा मुख्यमंत्री पद बनाया। अब चीजें बदल गई है, अब जो मोदी जी का क्रेज है वो 2014 वाला क्रेज नहीं है, क्रेज नहीं है ना, 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 मत पूछना इनसे ये, क्योंकि कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करते हैं तो लोकायुक्त की क्या जरूरत, आप पता नहीं खंडू में क्रेज अपना कौन पूरा करेगा। आप कंटिन्यू जी, बिल्कुल, अब वो क्रेज नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं, जनता भी अब समझ चुकी है कि विकास की बात, हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये तो रहे, ये अब वो पहले चीजें अलग थी। आपको पिछले चुनाव में बिल्कुल 2017 में वेटेज मिला मोदी जी का प्रभाव का, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें अब बदल गई हैं, अब आपको खुद ही आपके जो विधायक हैं नेता हैं उनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट और तभी परिणाम आएंगे। अगर कोटद्वार में वाकई काम हुआ होता तो लगातार सीट बदलने की मांग नहीं होती। जो जो नेताजी आज कांग्रेस में गए हैं वो उससे पहले बीजेपी के टिकट से ही वो केदारनाथ से मांग रहे थे कि मुझे केदारनाथ से दे दीजिए, मुझे डोईवाला से दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तो इतिहास है ना, वो कभी हुआ ऐसा कि भैया मैं जहां से जीता वहीं से, जिस दिन चुनाव जीतते हैं जनाब उसी दिन से ही कोशिश करते हैं कि अगली सीट कौन सी चुननी, समझ रहे हो ना। छोड़ो उस बात को, छोड़िए उस बात को, बिल्कुल यही चीजें हैं। हाँ, वरना फिर ऐसा ना हो कि कल को फिर पार्टी में किसी बड़े पद पर तो आएंगे, कहीं ऐसा ना हो अमरजीत जी के लिए भी दिक्कत हो जाए। छोड़िए आप, एक मिनट, हेमा भंडारी जी, हेमा मैडम, ये बीजेपी कांग्रेस की आपसी लड़ाई का फायदा होगा आम आदमी पार्टी को जो चल रहा है? सर, फायदा आम आदमी पार्टी को फायदा हो या ना हो, लेकिन उत्तराखंड की जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, और लगातार वही नेता, वही ये लोग नया चेहरा कोई लाते नहीं है कि जो उत्तराखंड का विकास करे, उन्हीं भ्रष्ट लोगों को जिन पे आरोप होते हैं उन्हीं लोगों को टिकट बांटने में लगे रहते हैं। अब धन सिंह नेगी जी वहां पर टिहरी में काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, और इनके जो कांग्रेस से आए हुए किशोर उपाध्याय जी पर विश्वास जता रहे हैं। तो जो इधर कांग्रेस में है कल को वो भाजपा में होगा, जो भाजपा में है कल को वो कांग्रेस में होगा। इन एक तरफ युवाओं की बात कर रहे थे कि इस बार युवाओं को आगे लाया जाएगा, युवाओं, तो इन्होंने कितने युवाओं को ये लेके आए हैं, ये पुराने उन्हीं चेहरों पे चुनाव लड़ रहे हैं जो अधिकतर घोटालों में, जो अलग अलग मतलब करप्शन में लिप्त भी रहे हैं कई इनके नेता, लेकिन उससे जो है उत्तराखंड जो प्रदेश का जो बदहाल स्थिति हो रही है, जो भुगतना पड़ रहा है प्रदेश की जनता को, तो प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है। और आज अगर ये लोग वोट मांगने जाते हैं, जब अपने क्षेत्र में काम किया होगा तो उसी काम के नाम पर ये वोट मांग सकते थे, लेकिन ये इनकी हिम्मत नहीं है कहने की कि हाँ हमने काम किया। और दूसरी बात ये है, एक सलाह दे रहा हूँ, देश भाई समझा देंगे आपको भी, बता देंगे। 2007 बीजेपी कांग्रेस को कोसने वाले जब आए थे उत्तराखंड क्रांति दल से, तो वो सत्ता की गोद में बैठ गए थे। 2012 मैं टूट के बता रहा हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल ही खत्म हो गए थी मैडम, मैं कहां इशारा कर रहा हूं समझ जाना। 2012 निर्दलीय चुनाव जीते, कांग्रेस के बागी हुए, वो बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, अब फिर कांग्रेस में है वो, बद्रीनाथ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2017 में ऐसी नौबत नहीं गई क्योंकि पूर्ण बहुमत, इसलिए जो बात अब देश जी कह रहे थे ना, संभाल के रखिएगा, जो दो चार सीटों पर उम्मीद है वो संभाल के रखिएगा, वो कह रहे थे। नहीं, लेकिन सीमा जी के जो दल का उदय, जी जी बताए, मैं कह रहा था सीमा जी, बिल्कुल आप दिल्ली की जो बात है, दिल्ली तो आप बिल्कुल अन्ना आंदोलन से उतर के आए हैं, एक साफ सुथरी वहां से आपने एक प्रयास किया, लेकिन जो उत्तराखंड में आपका जो गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि आप भाजपा कांग्रेस और यूकेडी के नेताओं से मिलकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। यहां पर तो कोई आप नहीं बोल सकते ना कि बिल्कुल सारे नए चेहरे थे, आप ये क्यों, आप इस बात को स्वीकार तो करेंगे कि आपके 80% चेहरे भाजपा कांग्रेस यूकेडी या तमाम अन्य दलों से आए हुए चेहरे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये उत्तराखंड है, लेकिन सीमा मैडम और अमरजीत जी का ये कहना है, हेमा मैडम, ये आपकी पार्टी है, सत्ता मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन सीमा मैडम और अमरजीत जी का ये कहना है, कह रहे हैं कि अब की बार अगर केजरीवाल जी आए तो उन्हें देहरादून, रुद्रपुर या वहां पर मत रैली करवाइएगा, काशीपुर वगैरह में, उनको गैरसैंण लेकर जाइएगा ताकि उनको पता चले
कि उत्तराखंड कहते किसको है, ये सीमा मैडम और अमरजीत जी कह रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा था, कहते गैरसैंण लेकर जाओ, पता तो चले कि राजधानी बनानी कहां है, कभी गए नहीं गैरसैंण, कहते हो गैरसैंण राजधानी बना देंगे, बता देना सीमा मैडम, बोल दिया उनको मैंने। ना तो यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में पता, ना भौगोलिक स्थिति के बारे में पता, ना पहाड़ पता, ना उन्हें तराई पता, केवल फ्री की राजनीति करना है यहाँ पर। दिल्ली पता, आप लोगों को पता थी ना, खाने को पता थी, आपने कितने डिस्कशन समझ लिया सब चीजों को, नहीं नहीं आप लोगों को पता थी तो आपने कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, आज भी डांडी कांडी का सहारा लेके पहाड़ों में जितने जितने उत्तराखंड में स्कूल बन रहे हैं, सुनिए स्कूल बने हैं, कितने अस्पताल बने हैं, ये कांग्रेस कार्यकाल में बने हैं, मुझे वहाँ की पता है कितनी बुरी स्थिति है, कितनी बदतर स्थिति है, मैं भी टिहरी में रहती हूँ, मेरा खुद का घर टिहरी में, लेकिन आप देखिए ना वहाँ की स्थिति, अगर वहाँ पर दिया होता अस्पताल दिए होते, वहाँ पर रोजगार दिया होता तो आज पलायन की स्थिति ना होती, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, लगातार तो आप ही लोगों की सरकार थी ना, आप करके दिखाते ना, अगर आज हेमा मैडम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सीमा मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की सियासत में सियासी कोहराम क्यों मचा हुआ है, इसकी दास्तान आप समझ रहे हैं, कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई पुरोला गया तो कोई टिहरी गया, कोई रुद्रपुर गया तो कोई डोईवाला गया, अभी सियासत की पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के घर में बागियों की कमी नहीं है, यानी बगावत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।